हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आलू टमाटर की टेस्टी सब्जी बनाकर बताऊंगी, वह भी बिना प्याज लहसुन के। यकीन मानिए, यह सब्जी बिना प्याज लहसुन के बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने ये 3 बॉयल्ड आलू ले लिए हैं सब्जी के लिए। अब हम सब्जी बनाने के लिए आलूओं को फोड़ लेते हैं। अब इनकी सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 2 टमाटर कटे हुए, जीरा, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, 1 हरी मिर्ची और थोड़ा कटा हुआ धनिया। अब हम सब्जी बनाने के लिए गैस चालू करते हैं, इस पे भगोनी चढ़ाते हैं। अब देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे और टमाटर डालेंगे। मैंने जो मसाले लिए थे उनका घोल बना लिया है और उसमें डाल देंगे हम। इसमें अच्छे से कलर के लिए कश्मीरी मिर्च डालेंगे। अब हमारे टमाटर और मसाले भुन चुके हैं, अब इसमें हम आलू डालेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये हमने 1 कटोरी पानी डाल दिया है, आधी कटोरी पानी और डाला है। अब जी हमारी सब्जी तैयार है। अब इसको पकने देंगे धीमी आंच पे। अब हम इसको ढक देंगे और पकने देंगे। देखिए अब हमारी सब्जी बन चुकी है, अच्छे से खोल गई है। अब हम इसमें धनिया डालेंगे। ये मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। ये सब्जी मैंने तिली के तेल में बनाई है, आप चाहें तो इसको रिफाइंड तेल, सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। देखिए हमारी आलू टमाटर की टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।